दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हिंदी की सीरीज में अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं संज्ञा से अव्यय तक, उसमें हम संज्ञा के टॉपिक को पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों आज हम संज्ञा के टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस सेट में शामिल किया गया है। अगर आपने हमारी संज्ञा की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, आप वहाँ से संज्ञा के टॉपिक को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको तो मेरे पढ़ाने का तरीका पता है, हम पहले टॉपिक को कंप्लीट करते हैं फिर उसके बाद में टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट को करते हैं और सभी जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मुझे मिलते हैं मैं सभी को इसमें शामिल करता हूँ। तो चलिए प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना और यहाँ से संज्ञा के टॉपिक से जितने भी प्रश्न होंगे सभी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। तो दोस्तों पहला प्रश्न है कि चुनना की भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब हमने टॉपिक कंप्लीट किया था संज्ञा का, तो वहाँ पर बताया था बाद में कि भाववाचक संज्ञा किस तरीके से बनाई जाती है, व्यक्तिवाचक से हम भाववाचक कैसे बनाते हैं और जातिवाचक से हम भाववाचक कैसे बनाते हैं, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में प्रयोग कैसे करते हैं, तो ये सभी हम नियम देख चुके हैं। तो प्लीज़ जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं तो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताइए पहला प्रश्न कि चुनना की भाववाचक संज्ञा है। तो चुनना की भाववाचक संज्ञा क्या है? चुनना मतलब होता है किसी को चुनना, ठीक है। जैसे चार लोग हैं, चार में से हमें एक को चुनना है। तो अब चुनना अलग चीज है और उसमें भाववाचक संज्ञा पूछा गया है। संज्ञा तो ये भी है लेकिन भाववाचक संज्ञा बनानी है, तो बताइए भाववाचक संज्ञा क्या है इसमें? तो चुनना की भाववाचक संज्ञा होगी चुनाव। जो चुनाव होता है ना, चुनाव होता है तो चुनाव में भी तो हम जो है जितने भी मेंबर खड़े होते हैं उनको हम चुनते हैं, उनमें से एक को चुनते हैं, तो वही है। तो यहाँ पर भाव प्रकट हो रहा है चुनाव में, ठीक है। तो ये सब देख चुके हैं हम नियम। तो चलिए आई होप सब कुछ आपका क्लियर होगा। जो भी भाई बहन हमारे रेगुलर हैं, हिंदी की सीरीज से जुड़े हुए हैं, तो सभी आपको पता होंगे और आप यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं आप सभी प्रश्नों को करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए दूसरा प्रश्न है कि इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो बताइए जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जिससे किसी जाति का बोध होता है। तो क्रोध, बचपन, पहाड़ या गंगा, तो कौन सी होगी इसमें से जातिवाचक संज्ञा? तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा इसमें से होगी क्या? क्रोध। क्रोध भाववाचक संज्ञा होगी, ठीक है। बचपन भी भाववाचक में आएगा। गंगा, गंगा स्पेशली एक रिवर का नाम है तो यह व्यक्तिवाचक में आएगा। लेकिन पहाड़ तो बहुत होते हैं, पहाड़ एक जाति का बोध कराएंगे, पहाड़ तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो पहाड़ होगी यहां पर जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो बताइए लोहा, घृणा, गंगा, बनारस, तो भाववाचक संज्ञा बतानी है। तो बताइए आसानी से बता दोगे आप, भाववाचक कौन सी होती है? जिसमें भाव होता है, जिसे हम ना छू सकते हैं ना हम जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है, तो वह भाववाचक होती है। तो लोहा को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, गंगा को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बनारस शहर है, बताइए। तो यहाँ पर है घृणा, घृणा, ठीक है। तो घृणा होगी यहाँ पर भाववाचक संज्ञा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? तो बताइए बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, विशेषण है, तो कौन सी है? तो दोस्तों सभी ने इसका आंसर लगा लिया होगा और मुझे आशा है अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो आपने सही आंसर लगाया होगा, ठीक है। तो इसका है भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा, जवानी, ये सब घृणा, क्रोध, गुस्सा, प्यार, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि मोहन सो रहा है, इस वाक्य में मोहन के किस रूप में है? तो बताइए ये दोस्तों यहाँ पर ये वाला जो प्रश्न है ये एक प्रश्न गलत इसमें आ गया है, ये संज्ञा का नहीं है, ये कारक का है, ठीक है। अब चलिए उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, आ गया है, जल्दी में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, तो कर लेते हैं हम यहाँ पर। वैसे तो हम कारक का जो टॉपिक है अलग से पढ़ेंगे, एक अलग वीडियो लेकर आएंगे, फिर वहाँ पर देखेंगे, ठीक है दोस्तों। सभी को हम एक सिस्टमेटिक वे में एक हर टॉपिक को अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे कि सब कुछ आपका क्लियर हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि संज्ञा सर्वनाम एक ही में कर दिया,
विशेषण क्रिया विशेषण एक ही में पढ़ा दिया, तो इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बता दीजिए, मोहन सो रहा है, इस वाक्य में मोहन किस रूप में है, तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर। तो इसमें मोहन जो है कर्ता के रूप में है, मोहन की तो बात हो रही है, मोहन सो रहा है तो इसमें कर्ता होगा मोहन, ठीक है, मोहन के बारे में पूछा गया है। आगे देखते हैं, छठवां प्रश्न है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो बताइए भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है फिर से। और ज्यादातर दोस्तों संज्ञा से अगर प्रश्न आएगा तो भाववाचक संज्ञा से ही पूछा जाता है, तो अच्छा, मधुर, सुंदर, अच्छाई, तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है क्या, अच्छा। अच्छा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये विशेषण है, मधुर भी विशेषण है, सुंदर भी विशेषण है, अच्छाई भाववाचक संज्ञा, यहाँ पर भाव प्रकट हो रहा अच्छाई के, किसमें कितनी अच्छाई है किसमें कितनी बुराई है, ठीक है, तो ये सब क्या है भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं, तो सातवां प्रश्न है कि जिस संज्ञा पद से किसी वर्ग के प्राणियों, वस्तु या संस्थानों का बोध होता है वह है, बताइए, ये तो डेफिनेशन दे दी है, ये एक वर्ग की बात की जा रही है जहाँ प्राणियों का वर्ग, वस्तुओं का वर्ग, संस्थानों का वर्ग उसका बोध हो, तो उसे क्या कहते हैं, जाति कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में क्या आता है, कोई भी नाम ले दीजिए वही व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक बहुत देर से हम देख रहे हैं, बहुत सारे उदाहरण पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए आठवां है, जगड़ना की भाववाचक संज्ञा है, तो ज़्यादातर भाववाचक संज्ञा ही पूछी जाती है, मैंने बताया है और फिर से बता रहा हूँ, तो बताइए जगड़ना की क्या है, तो जगड़ना की जो भाववाचक संज्ञा है वह है झगड़ा, क्या है, झगड़ा, ठीक है, याद रखना झगड़ा इसकी क्या है भाववाचक संज्ञा है। और बहुत सारे हम नियम भी पढ़ चुके हैं भाववाचक संज्ञा बनाने के, ठीक है, टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो चलिए आगे देखिए, सर्व, सर्व की भाववाचक संज्ञा है, तो सर्व की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, सर्वत्र, सर्वस्व, सर्वे, सर्वो, तो इसका है जो राइट आंसर, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट ने सही लगाया होगा, सर्वस्व इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों, सर्वस्व क्या है राइट आंसर। और दोस्तों मैं आपसे एक यही बात कहूँगा कि टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आप प्रैक्टिस सेट को कभी मत छोड़ना, जितने भी प्रश्न आपको दिए जाएं सभी प्रश्नों को आप देखना, दोस्तों होता क्या है हमारी तैयारी कैसी है, हमारा टॉपिक कितना कंप्लीट है, यह हमें प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही पता चलता है, ठीक है दोस्तों। तो प्रैक्टिस सेट को कभी भी इग्नोर ना करना, जितने भी प्रैक्टिस सेट, और दोस्तों हर टॉपिक का प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है दोस्तों, हिंदी की सीरीज इसी तरीके से टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस सेट के वाइज चलती रहेगी, यही हमारी स्ट्रेटजी रहेगी दोस्तों। और वैसे भी जो भी सब्जेक्ट हमारे चैनल पर कराई जाएगी दोस्तों इसी तरीके से हम करेंगे, ठीक है दोस्तों। और हमारे चैनल पर EBS पर्यावरण की सीरीज चल रही है, तो आप प्लीज़ जो भी व्यक्ति चैनल पर नए हों तो एक बार विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों मैथ की सीरीज बेसिक से कराई जा रही है, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, और जितने भी टाइप हैं हर टॉपिक के हर टाइप को कवर कराया जा रहा है। तो प्लीज़ दोस्तों जो भी मैथमेटिक्स में कमज़ोर हैं, जिनको मैथ समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल पर आइए और एक बार विजिट करिए और देखिए दोस्तों, यकीनन आपको बहुत पसंद आने वाली है वीडियो, ठीक है। चलिए दसवां प्रश्न देखते हैं, तो नदी संज्ञा है, तो नदी क्या है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, नामवाचक है, तो क्या है नदी, तो नदी किस में आएगी, जातिवाचक में आएगी नदी, है ना, सिंपल सी बात है, वहीं पर गंगा की बात होती तो व्यक्तिवाचक में आती, क्योंकि वहाँ पे स्पेशली एक नदी का नाम आ गया है, ठीक है, यमुना व्यक्तिवाचक में आएगी, गोमती, जितने भी नाम हैं जो भी हैं नदियाँ, तो वो सब किस में आएंगी, व्यक्तिवाचक में। और बात करते हैं नदी, तो जातिवाचक में, क्योंकि नदी में तो बहुत सारी नदियाँ हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए ग्यारहवां प्रश्न है कि बच्चा की भाववाचक संज्ञा है, बच्चा की भाववाचक संज्ञा, बच्चा की भाववाचक संज्ञा होगी बच्चाई, बचपन, बच्चता, बच्चपन, तो क्या है इसका राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है बचपन, ठीक है। तो बचपन एक भाव है, जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो सोचते हैं ना, अरे हम बचपन में ऐसे थे, कोई टेंशन नहीं थी, घूमते थे, फिरते थे, खाते थे, पीते थे, मौज लेते थे, अब तो पढ़ाई 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 पढ़ाई, जॉब, ये वो, ये सब होता रहता है, तो ये क्या है, भाव है, ठीक है, तो बचपन एक भाव है। चलिए दोस्तों बारहवां प्रश्न देखते हैं कि इनमें से भाववाचक संज्ञा है, देखिए आप देख रहे होंगे शुरू से जितने भी प्रश्न हम कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रश्न भाववाचक संज्ञा से ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो सत्य, शेर, वाराणसी, पुस्तक, तो ऑप्शन के थ्रू तो आप आसानी से पता कर लोगे, पुस्तक होगा नहीं,
जातिवाचक में आएगा वाराणसी आएगा नहीं, व्यक्तिवाचक में आएगा शेर होगा नहीं, व्यक्तिवाचक में आएगा। तो दोस्तों इसमें क्या है, क्या है, सत्य, सत्य है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो सत्य तो हमेशा सत्य होता है। ठीक है, 13वां प्रश्न देखते हैं, पंडित की भाववाचक संज्ञा है, पंडित की भाववाचक संज्ञा, तो पंडित की पंडिताई, पंडियाई, पंडित्य, पंडित, तो क्या है इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पांडित्य, पांडित्य। ठीक है, क्या होगा, पांडित्य, तो याद रखना। 14वां प्रश्न देखते हैं, मुंबई कौन सी संज्ञा है, तो बताइए मुंबई कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, एक देश है, तो क्या आएगा इसमें बताइए, तो मुंबई तो एक शहर का नाम है ना, तो शहर का नाम है, तो नाम है, ठीक है, तो व्यक्तिवाचक में आएगा, जो भी शहर आएगा, जो भी गांव आएगा, जो भी देश का नाम आएगा, सब किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में आएगा। ठीक है, 15वां प्रश्न देखते हैं कि रमेश कल दिल्ली जाएगा, इस वाक्य में रमेश क्या है जरा बताइए, तो सब लोग बता देंगे, आसानी से बता देंगे, टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं हम बताइए, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्रिया का ही तो पढ़ रहे हैं, है ना, तो संज्ञा होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, संज्ञा पढ़ रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं, गाय कौन सी संज्ञा है, तो बताइए गाय व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, नामवाचक है, कौन सी संज्ञा है बताइए, गाय, तो गाय है हमारी जातिवाचक संज्ञा। अरे गांव में तो बहुत सारे जो नस्लें होती हैं, तो बहुत सारी नस्लों की गाय पाई जाती है ना, कारी गाय, भूरी गाय, ये तो कलर से बता रहा हूँ मैं, ठीक है, वैसे भी गाय बहुत सारी होती हैं और गांव के नाम भी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 17वां प्रश्न है, लिखना भाववाचक संज्ञा है, लिखना भाववाचक संज्ञा है, मतलब कहने का मतलब ये है, लिखना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, ठीक है, तो बताइए क्या होगी, तो लिखना की लिख, लेख, लिखावन, लिखावट, अरे लिखावट होगी इसकी तो, ठीक है, लिखना की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, लिखावट होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं, तो जिन शब्दों में किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार या भाव का बोध होता है वे हैं, बताइए, कितना सिंपल प्रश्न है, अगर ऐसा आपके पास आ जाए एग्जाम में तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड है ना पढ़ने में, बस प्रश्न को पढ़ने में टाइम लगेगा, बाकी तो समय लगेगा ही नहीं, है ना। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं, कभी कभी दोस्तों एक बात आप हमेशा याद रखना, मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, कभी भी ना सिंपल प्रश्न कभी भी एग्जाम में देखकर आप ज़्यादा प्रसन्न ना हुआ करें। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न सिंपल होता है लेकिन उसमें कुछ टिपिकल पॉइंट दे दिया जाता है, जैसे कि नहीं, नहीं हमेशा गड़बड़ करता है, जैसे कि प्रश्न में पूरा प्रश्न दे दिया जो आपको अच्छे से पता है, बच्चे बच्चे को मालूम है, अगर उसमें नहीं दे दिया ना बाद में कि इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि पूरा प्रश्न नहीं पढ़ते हैं, पूरा प्रश्न नहीं पढ़ते हैं, आगे आगे से पढ़ के आंसर लगा के चले आते हैं घर। ठीक है, घर आके काउंट कर लेते हैं कि हाँ ये वाला प्रश्न हमारा बिल्कुल सही है, 100% सही है, 200% सही है ना, तो इसी तरीके से बातें करते हैं, जब आंसर की आती है अरे ये क्या हो गया, ये तो गलत कैसे हो गया, देखा तो पीछे नहीं लग रहा था, फिर मूड पे हाथ रखते हैं, सब रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह की गलती आप ना करें, कभी भी सिंपल प्रश्न आए तो आप कभी भी बौखला मत जाया करिए। ठीक है, बड़े ध्यान से आराम से करिए, क्योंकि एक सिंपल प्रश्न भी हमें एक नंबर देता है और एक हार्ड प्रश्न भी हमें एक नंबर ही देता है, दो नहीं एक देता है। ठीक है, तो इसलिए एक नंबर कभी नहीं छोड़ना है हमें। ठीक है दोस्तों, जो टफ है वो तो अपने में खुद में टफ है ही, जो सिंपल है उसको टफ मत बनाओ जल्दबाजी में। ठीक है, तो ध्यान देना दोस्तों, चलिए आगे से मत करना ऐसा। 19वां प्रश्न है कि जिस संख्या पद के किसी भाव, गुण, अवस्था, व्यापार आदि का बोध हो रहा हो वह है, तो बताइए कौन सी होगी, तो ये भाव की बात कर रहा, भाव, गुण, अवस्था, तो भाववाचक होगी। ठीक है, भाववाचक होगी, इसमें गुण, अवस्था, अवस्था मतलब जवानी, बुढ़ापा, ये सब आता है इसमें। ठीक है, 20वां प्रश्न है कि सोना संज्ञा है, सोना, ये वो वाला सोना नहीं है, ये सोना चांदी वाला सोना है, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, अरे इसमें तो आंसर भी नहीं दिया, तो चलिए इनमें से कोई नहीं तो है ही, और वैसे तो मैं आपको बता ही देता हूँ, और बताने की जरूरत भी नहीं होगी, ज़्यादातर तो आप सभी को पता ही होगा कौन सा आएगा बताइए, सोना में द्रव्यवाचक आएगा ना, है ना। ठीक है, चलिए पदार्थवाचक, द्रव्यवाचक। 21वां प्रश्न है कि हिमालय संज्ञा है, तो हिमालय तो स्पेशली एक पर्वत पठार, जो पहाड़ का नाम है, ठीक है, एक पर्वत का नाम है, तो
तो हिमालय किस में आना चाहिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या नामवाचक में? तो किस में आना चाहिए? तो ये आना क्या चाहिए, आएगा व्यक्तिवाचक में, क्योंकि ये स्पेशली एक पहाड़ का, पर्वत का नाम है। ठीक है, चलिए। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो 2, 6, 4, 5, तो 5 प्रकार होते हैं, कहीं कहीं पर 3 भी आता है। ठीक है, तो 5 प्रकार होते हैं वैसे, तो इसे याद रखना जो हम पढ़ चुके हैं। 23, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो व्यक्तिवाचक कौन सी है? राम, मधुरता, मनुष्य, गाय। तो आसानी से आप लगा लेंगे, सोचने की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्यों, व्यक्तिवाचक संज्ञा में सीधे व्यक्ति का ही नाम दे दिया है, तो इससे आसान किया होगा, बताइए, है ना, राम। वही मधुरता भाववाचक, मनुष्य, मनुष्य में किस में आ जाएगा, मनुष्य जाति में आ जाएगा, गाय आ जाएगा जातिवाचक में, है ना। शीला कौन सी संज्ञा है? तो ये भी तो एक नाम है, तो शीला भी तो किस में आना चाहिए, तो शीला भी व्यक्तिवाचक में आना चाहिए, आना क्या चाहिए, व्यक्तिवाचक है। ठीक है, 25वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष स्थान, व्यक्ति, वस्तु का, नाम का बोध हो रहा हो, वह है, तो क्या है बताइए, तो व्यक्तिवाचक है। ठीक है, नाम का जहां बोध होता है वहां व्यक्तिवाचक होगी, ठीक है, याद रखना। 26वां प्रश्न है, करुणा कौन सी संज्ञा है? तो बताइए करुणा कौन सी संज्ञा है? कवितावाचक। कवितावाचक कौन सी होती है? चलिए दे देते हैं, जातिवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक। तो बताइए कौन सी संज्ञा है? करोड़ा। तो बताइए, तो इनमें 2 तो ऐसे ही दे दिए हैं, देखिए कवितावाचक, कर्मवाचक, ये कोई संज्ञा के प्रकार हैं? है, जातिवाचक, भाववाचक, तो इन दोनों में से होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा क्या? भाववाचक होगा, करोड़ा है। ठीक है, चलिए 27वां प्रश्न है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो मोहन, नदी, सुख, मानवता। आंसर हमें मिल गया है, पढ़ने की जरूरत नहीं है चारों को। ठीक है, तो क्या है? नदी। मैंने बताया था जहां पर नदी का नाम दिया जाएगा वो व्यक्तिवाचक में आएगा, या नदी तो वो जातिवाचक में आएगा। ठीक है, चलिए 28वां प्रश्न देखते हैं, शायद ये आखिरी प्रश्न है। कसना की भाववाचक संज्ञा है, तो बताइए कसना की क्या है भाववाचक संज्ञा? तो कसना की भाववाचक संज्ञा होगी कसावट। क्या होगी? कसावट, जैसे बोल्ट पेच वगैरह कसते हैं ना, तो उसकी भाववाचक संज्ञा होगी कसावट। ठीक है, तो ये थे संज्ञा से रिलेटेड आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो आपको कैसी लगी, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस जरूर करना, जिससे कि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट करके बताइए दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, और दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को प्रमोट करिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।